जयंत चौधरी ने बीजेपी लीडरशिप से कर ली बात। बीजेपी के साथ 2024 के चुनाव में रहेंगे जाट। सारी सीट फाइनल, डील में बस एक पेंच। इंडिया अलायंस को एक और झटका लगेगा। 2024 में 400 पार मुश्किल नहीं। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, मोदी विरोधी विपक्षी कुंबा बिखरता जा रहा है। मोदी के साथियों का दल बढ़ता जा रहा है। बंगाल, बिहार और पंजाब में इंडी गठबंधन की हवा पहले ही खराब थी। इसके बाद अब देश के सबसे ज्यादा सांसद जिस प्रदेश से आते हैं, वहां भी विपक्ष को करारा धक्का लगने वाला है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा और मुखर वोट बैंक बीजेपी के साथ आने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दखल रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए करीब करीब सहमत हो गई है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी लगातार भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और खबर ये भी आ रही है कि दोनों पार्टियों की भी सहमति भी बन चुकी है। भाजपा ने आरएलडी को 2 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें ऑफर कर चुकी है, लेकिन आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एक और लोकसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं। जयंत चौधरी की डिमांड जानकर आप दंग रह जाएंगे कि वो कौन सी लोकसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि डील 1-2 दिन में डन हो जाएगी। सब कुछ फाइनल होने के बाद घोषणा भी हो जाएगी, क्योंकि लगातार 2 लोकसभा चुनाव में 0 स्कोर करने वाली जयंत चौधरी की पार्टी ज़्यादा डिमांड करने का दम नहीं रखती। हालांकि अंदरखाने से ये जानकारी भी सामने आई है कि आरएलडी ने 4 सीट की मांग की, जिसे बीजेपी नेतृत्व में नामंजूर कर दिया गया। इसके बाद जयंत चौधरी 3 सीटों पर दबाव बनाए हुए हैं। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आरएलडी के सामने रखा है। इन दोनों सीटों को जाट बाहुल्य माना जाता है। बागपत और बिजनौर की इन दोनों सीटों के अलावा आरएलडी के नेता जयंत चौधरी एक तीसरी सीट सहारनपुर से भी चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि बीजेपी आरएलडी को एक तीसरी सीट दे सकती है, लेकिन ये संभल या फिर अमरोहा की होगी, ना कि सहारनपुर की। जाहिर है बीजेपी जयंत को जो भी देगी उनके लिए विन विन है, क्योंकि फिलहाल उनकी झोली खाली है। गठबंधन हुआ तो बीजेपी लीडरशिप चुनाव के बाद 1 कैबिनेट रैंक का मंत्री पद भी देने का वादा करेगी। देखना यह है कि चौधरी जयंत का क्या रुख होता है। अब तक के हालात यही बता रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी के ऑफर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, नाव नोएडा।